आपका बायोलॉजिकल सिस्टम और मेंटल सिस्टम, ये दोनों आपके जीवन पे 99% इंपैक्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी लंबे और हेल्दी जीवन के आड़े आती है और उससे कैसे बचे। हर इंसान को एक लंबे जीवन जीने की आशा होती है और ये उमंग तभी जाग उठती है जब हमारा जन्मदिन आता है और हमें एहसास होता है कि हमारी उम्र बढ़ते जा रही है, या फिर हम किसी बीमारी का शिकार होते हैं और डॉक्टर हमें एहसास दिलाते हैं कि आगे जिंदगी जीना बहुत कठिन है। इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में समय कैसे बीता जा रहा है हमें पता नहीं चलता और बीते हुए समय में हमने क्या क्या किया है उसका एहसास नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कॉन्शियसली अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज हम लगातार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड कोच, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको लंबे और हेल्दी जीवन जीने की आशा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपका बायोलॉजिकल सिस्टम और मेंटल सिस्टम, ये दोनों आपके जीवन पे 99% इंपैक्ट करते हैं। आपका बायोलॉजिकल सिस्टम ये आपके रूटीन पे और ईटिंग हैबिट पे डिपेंडेंट है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं और खाते समय क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस टॉपिक पे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका नाम है 40-60-80 फॉर्मूला, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। सेकंड, आपका रूटीन कैसा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब उठते हैं और कब सोते हैं ये भी इसमें शामिल है। अगर हम आजकल के जनरेशन के लाइफस्टाइल की ओर देखें तो वो जरूरत से भी काफी कम फिजिकली एक्टिव है। आपके दिन भर के रूटीन में ऐसी कौन सी 3 फिजिकल एक्टिविटीज है जिसका शामिल होना बहुत जरूरी है, और वो है SSB, जिसे हम कहते हैं स्वेटिंग, स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग। अगर आप अपने रूटीन में ये तीनों चीज शामिल करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ ये एक सुपीरियर क्वालिटी की हो सकती है। नंबर 1, स्वेटिंग। स्वेटिंग ये बहुत इफेक्टिव और जरूरी क्रिया है। ये हमारे बॉडी में से टॉक्सिक बाहर निकालता है। ये एक कूलर की तरह काम करता है और हमारे बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। ये हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। स्वेटिंग ये एक परिश्रम का संकेत है, इसलिए यह मान लेना आसान है कि ज्यादा स्वेटिंग यानी ज्यादा इंटेंस वर्कआउट, ये रनिंग, योगा, फास्ट वॉकिंग, साइकिलिंग या अन्य कोई एक्सरसाइज हो सकती है। इसलिए स्वेटिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। नंबर 2, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग ये आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और हेल्दी रखता है। ये आपके जॉइंट्स में भी स्मूथनेस बरकरार रखता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग ये आपके मसल्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो करने में मदद करता है, बॉडी पोस्चर को सुधारता है, बैक पेन से बचाता है और छुटकारा दिलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। ये आपके दिमाग को शांत रखता है और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। नंबर 3, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ये आपके बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो और एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। अगर आपका खाने पीने का रूटीन डिस्टर्ब है तो स्वेटिंग, स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग उसे न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम के बाद हम बात करते हैं आपके मेंटल सिस्टम की। मेंटल सिस्टम ये आपके मल्टीटास्किंग हैबिट और इमोशनल हेल्थ पे बहुत डिपेंडेंट है। मल्टीटास्किंग सही है या गलत, इस पर भी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरी तरह से फायदा हो। आपके इमोशनल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान ओवरथिंकिंग दिलाता है। ओवरथिंकिंग ये आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करता है और ज्यादा दिन तक लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर डिप्रेशन ज्यादा दिन तक चले तो आपके डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अक्सर देखा गया है डिप्रेशन में इंसान 99% गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके इमोशन के कंट्रोल में होता है और ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। ओवरथिंकिंग की 2 सबसे बड़ी वजह है, नंबर 1, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स, और नंबर 2, अकेलापन और एकांत। रिसर्च से ये पता चला है कि 90% ओवरथिंकिंग का कारण आपके पास्ट इवेंट होते हैं, जो इवेंट हो चुके हैं और जिस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। उस इवेंट के बारे में लगातार सोचने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। भूतकाल में किसी व्यक्ति के प्रति बुरे अनुभव की वजह से आप अपने भविष्य की कल्पना कर बैठते हैं और अपना वर्तमान परेशानी में बिताते हैं। याद रखें, आपका वर्तमान आपके भूतकाल में लिए गए फैसलों का नतीजा है जिसको आप बदल नहीं सकते। आपके साथ क्या बुरा हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ये सोचने की जगह आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका आने वाला कल एक सकारात्मक हो, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। हमें बीते हुए कल से सीखना है और आने वाले कल की तैयारी करनी है। और जब कभी भी आप परेशानी में रहते हैं तो कोशिश करें कि अपना दुख दर्द किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि अपना अधिक से अधिक समय शुभ चिंतक लोगों के साथ बिताएं। शायद उनसे आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए।
इसके अलावा ऐसे कुछ चीजें हैं, अगर आप वो अपने रूटीन में शामिल कर देते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ को काफी राहत मिल सकती है। नंबर वन, अपना समय फैमिली मेंबर्स या अच्छे और पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ बिताएं, नए लोगों से मिले और ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे जो आपको अच्छी लगती है, जैसे सोशल मीटिंग, ग्रुप ट्रिप, ग्रुप साइकिलिंग, बाइक राइडिंग, ग्रुप मेडिटेशन या अन्य कोई। नंबर टू, अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व कर लें, जिस वजह से आप अपने प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्टेड रहो। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है जिससे आपको बेहतर, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील हो। नंबर थ्री, पॉजिटिव सोचें और ज्यादातर आपके पॉजिटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आप क्या नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करें। नंबर फोर, समय निकाल के अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाएं ताकि आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील हो। नंबर फाइव, स्लीप ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अपने बॉडी की रेस्ट की आवश्यकता को समझें और अपनी नींद पूरी कंप्लीट करें। नंबर सिक्स, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। फिजिकल हेल्थ ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके मेंटल हेल्थ को तंदुरुस्त रखने में। नंबर सेवन, अच्छा न्यूट्रिशनल और हेल्दी खाना खाएं जो आपके मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करे। नंबर एट, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ये बहुत जरूरी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली टेक्निक है आपके मेंटल हेल्थ को तंदुरुस्त रखने के लिए। वर्तमान समय में रहकर वर्तमान परिस्थितियों पे काम करना और एक समय पर एक काम करना, ये माइंडफुलनेस की निशानी है। वर्तमान परिस्थिति की क्या आवश्यकता है उस पे ध्यान केंद्रित करके उसका निर्णय वर्तमान में ही लेना, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। माइंडफुलनेस ये आपको अच्छा महसूस करने में और आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में काफी मदद करता है। हमारी जिंदगी ये एक मोटरसाइकिल की तरह है जिसके दो पहियों में से एक पहिया आपकी फिजिकल हेल्थ है और दूसरा पहिया आपकी मेंटल हेल्थ है। इन दो में से अगर एक भी पहिया जाम हो जाता है तो हमारी जिंदगी थम जाती है, फिर हमें आगे की जिंदगी बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए निकालनी पड़ती है। गाड़ी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसको लगे हुए पहियों में प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। इसलिए जीवन में अगर आप एक लंबे सफर की उम्मीद रखते हैं तो बताए गए तरीकों को अपनाएं और अपनी आगे की जिंदगी खुशहाल और स्ट्रेस फ्री बिताएं।